नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। नमस्कार, एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है। मैं उषा वर्मा, ज्योतिर्विद। आज हम चर्चा करेंगे कि मकान बनने के बाद शुभ या अशुभ असर कैसे देता है। तो संदर्भ में देखा जाता है कि मकान बनाते हैं, मकान बनने के बाद कई बार जो है घर में स्थितियां खराब हो जाती हैं, बीमारी आ जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या कभी कभी जो है बहुत अच्छा होता है तो मकान शुभ कहलाता है। हम देखेंगे कि कुंडली के अलग अलग भावों में बैठा शनि मकान के संदर्भ में क्या असर देता है। तो यदि प्रथम भाव में, लग्न में यदि शनि बैठा है तो ये जो है मकान के संदर्भ में, नए मकान के संदर्भ में अशुभ असर देता है। यदि शनि शुभ है, अच्छी मतलब शुभ राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, उच्च का है या स्वग्रही है, तो शनि जो है, और उसके साथ साथ यदि सप्तम में और दशम में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो शनि मतलब शुभ प्रभाव देता है, मकान जरूर बनाना चाहिए। फिर दूसरे घर में यदि शनि बैठा है दूसरे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मकान बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास, चिंता इसके करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप मकान बनेगा, जैसा बने, जैसा जिस तरह का बने, बड़ा बने छोटा बने, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस तरह जो मकान बनता है वो पूरे कुटुंब के लिए लाभकारी होता है। तीसरे भाव में शनि यदि बैठा है तो यह जो है मकान के संदर्भ में अशुभ प्रभाव देता है, क्योंकि तीसरा घर जो है मंगल का घर कहलाता है और ये मंगल जो है मतलब तीसरे भाव का कारक मंगल ग्रह है। यदि शनि और मंगल की आपस में स्थिति शुभ है तब मकान बहुत अच्छा बनता है और शुभकर होता है। चौथे भाव में यदि शनि है, चौथे भाव में शनि है तो मकान बनने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर मकान बनने के बाद कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गृह स्वामी की मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है और मामा पक्ष, दादी, सास, इन लोगों पर भी जो है अशुभ प्रभाव पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में ऐसा उपाय के तौर पर कुएं में दूध बहाना चाहिए। फिर पाँचवें घर में देखते हैं, पाँचवें घर में शनि यदि स्थित है तो मकान बनने पर संतान के लिए अनिष्टकारी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में जो है या तो लेट एज में बनाना चाहिए 48 साल की उम्र के बाद, और उसके साथ साथ जो है शनि संबंधी दान करने चाहिए, तब फिर मकान का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। छठवें घर में मकान बनता है तो कभी कभी बीमारी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए जो है सरसों का तेल बर्तन में भर के या तो तालाब के तली में या निर्जन स्थान में दबा देना चाहिए, इससे शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर देखते हैं हम कि सातवें घर में व्यक्ति के पास जो है अपने आप बने हुए और खुद के बनाए हुए कई मकान होते हैं, और ऐसे बने मकान जो है वो शुभ होते हैं, क्योंकि सातवां घर जो है वो शनि का नैसर्गिक उच्च स्थान माना जाता है। तो यदि मान लो किसी कारण से मकान बिकने लगे या कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो जो सबसे पुराना मकान है उसकी दहलीज की लकड़ी अपने पास संभाल के रखें, तो अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। आठवें घर में यदि शनि है तो ये मकान के संदर्भ में, नए मकान के संदर्भ में अशुभ प्रभाव देता है। यदि कुंडली में राहु केतु की स्थिति शुभ है तो मकान अवश्य बनाए, और मकान जो है वो लेट एज में बनाए तो बेहतर होगा। नौवें भाव में यदि शनि बैठा है तो ऐसी स्थिति में मकान बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो फिर बच्चे के जन्म के बाद मकान बनाना शुरू करना चाहिए, तो ऐसा मकान जो है कोई अशुभ प्रभाव नहीं देता और सबके लिए शुभ होता है। फिर दसवें स्थान में मकान जो है वो शुभ होता है। अपने व्यक्ति के पास कई मकान होते हैं और ससुराल से और अन्य स्रोतों से उसको मकान मिलते हैं, और ऐसे बने मकान जो है उसके लिए शुभ होते हैं। ग्यारहवें स्थान में
पिता से संपत्ति, स्थायी संपत्ति प्राप्त होती है, मकान और अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और पर यह है कि 11वें स्थान में बैठा शनि मकान आपको देगा मगर माता पिता को बीमारी देता है। तब ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो घर में यदि स्वयं बनाया हुआ है अथवा अपन ने खरीदा है तो दक्षिण का दरवाज़ा उपयोग में नहीं लाना चाहिए, दक्षिण का दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए तो अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। 12वें घर में तो कोई चिंता की बात नहीं, मकान बहुत अच्छे बनते हैं और व्यक्ति जो है मैंने शनि जो है स्थायित्व तो देता है तो 12वें स्थान में मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, परंतु घर से दूर या विदेशों में मकान बनते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि मकान शुभ या अशुभ जो है वो शनि के प्रभाव से जो है वो अच्छा या बुरा होता है, तो हमें इन स्थितियों का ध्यान रखते हुए वास्तु सम्मत मकान बनाना चाहिए और शुभ मुहूर्त में जो है मकान बनाना आरंभ करना चाहिए। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।